नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। पति ने पत्नी को दिया करवा चौथ पर मौत का तोहफा, कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। हमीरपुर जिले में विमवार थाना क्षेत्र के उमरी गांव में घटना हुई। उमरी गांव के रहने वाले तुलसी राम प्रजापति की 3 साल पहले प्रेमा से शादी हुई थी। प्रेमा ने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत रखा था। पति से तोहफा नहीं मिलने पर तुलसीराम और प्रेमा के बीच काफी नोकझोंक हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नाराज पति ने पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से कहीं वार कर दिए, जिससे 28 साल की प्रेमा की मौके पर ही मौत हो गई। प्रेमा अपने पीछे एक बेटी और 1 महीने का बेटा छोड़ गई है। तुलसीराम घटना को अंजाम देने के बाद घर के बाहर ही जाकर बैठ गया। तुलसीराम की मां ने घर आकर खून से लथपथ बहू का शव जमीन पर पड़ा देखा तो वह चीखने लगी। गाँव वालों ने फौरन डायल 100 पुलिस को हत्या की सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी तुलसीराम को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र अधिकारी सौम्य पांडे ने भी घटना स्थल पर जाकर घटना का जायजा लिया। पत्नी का आपस में विवाद हुआ तो पति ने पत्नी को मार दिया कुल्हाड़ी से। अच्छा, ये बताते हैं इससे पहले भी कोई घटना हुई थी? इसके पहले इसके बड़े भाई ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से ही काट दिया था करवाई चौथ के दिन 6-7 साल पहले। जो इनके कितने बच्चे हैं? इसके एक लड़का है अभी 1 महीने का और एक लड़की है 1.5-2 साल की। इससे भी पहले कोई विवाद होता था क्या इन लोगों के बीच में? आपस में विवाद होता रहता था। मुझे डायल 100 पर सूचना आई कि उमरी गांव में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर जब जांच पड़ताल की गई तो तुलसीराम प्रजापति द्वारा अपनी पत्नी भूरी उर्फ प्रेमा देवी को सर पे कुल्हाड़ी से वार किया गया है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर है, अग्रिम कार्रवाई है जो की जा रही है। फिलहाल जो मृतका है उनके माता पिता को सूचना कर दी गई है। जैसे ही कोई तहरीर प्राप्त होती है नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत। क्या आरोपी पकड़ा गया? आरोपी समय पुलिस पूछताछ कर रही है उससे, क्या उसका उद्देश्य था ये करने का। जैसी तहरीर प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।